Hello students, our fourth chapter is determinants. So determinants with every matrix A, a number expression or expression is associated which is called the determinant of matrix A. It is denoted by determinant of A or A between two standing lines. It can be expressed as A11, A12, A13, A21, 22, 23, A31, 32 and 33. So this is the address of element. A11 ka matlab one row first element, A12 first row second element, A13 first row third element, similarly 21 second row first element, 22 second row second element, A23 second row third element, similarly A31 A32 third row second element, third row third element. So this way we can write down. And one more thing that only square matrix can have determinant. Determinant जो आप केवल square matrix से calculate कर सकते हैं. And matrix is an arrangement while determinant is a number. Matrix एक arrangement है और determinant क्यों है, एक number है. और यहाँ पे आप इसका sign property दे सकते हैं. First positive, negative, positive, negative, positive, negative, positive. Alternate signs यहाँ पे determinant में होते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव किधर से सही देख लिया आप, रो तरफ से या कॉलम की तरफ से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको अल्टरनेट साइन मिलेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए आपको केवल डिटरमिनेंट निकाल के आना चाहिए. वो हम अभी एक लाइन में सीख लेते हैं. तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमारे पास जैसे मैट्रिक्स है, एग्जाम्पल 1 दिया हुआ आपकी बुक में, एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 एक्स, और इसको आपको इवेलुएट करना है, डिटरमिनेंट निकालना है. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए. इस मेन डायगनल के एलिमेंट x इंटू x माइनस x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, नेक्स्ट ये मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस, ये एक आइडेंटिटी बन रही है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा और आपका जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी. अगर आपको 3 बाई 3 का मैट्रिक्स सॉरी डिटरमिनेंट निकालना है, मैट्रिक्स से आपके पास 3 बाई 3 की इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो ये भी सिंपल है. अब आप इसको रो वाइज एक्सपेंड कर सकते हैं या कॉलम वाइज, ये आप पर डिपेंड करता है. यू वॉन्ट टू एक्सप्रेस इसको जो ओपन करना है आपको वो रो वाइज एक्सपेंड करना है, और यू वॉन्ट टू एक्सपेंड बाय कॉलम वाइज. सो मैं यहाँ पे आपको रो वाइज करके दिखा रहा हूँ. 1 2 3, सबसे पहला एलिमेंट 1, आपको याद होगा पॉजिटिव साइन बताया था मैंने, इसका साइन बताया था प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस. तो पहला साइन प्लस का, इसलिए 1 पॉजिटिव आया. अब जब आपने 1 लिया है तो 1 के साथ आप इस रो को छोड़ दीजिए, इस कॉलम को छोड़ दीजिए, तो जो आपके पास बचेगा वो बचेगा 3 0 1 1 प्लस, सॉरी माइनस आएगा नेक्स्ट साइन माइनस, और आपका नेक्स्ट नंबर आएगा 2. जब आपने 2 को लिया है तो आप ये रो छोड़ दीजिए, ये कॉलम छोड़ दीजिए दोनों, तो आपके पास बचेगा माइनस 1 0 4 माइनस 4 1, तो माइनस 1 और 0 4 और 1. उसके बाद साइन है पॉजिटिव तो प्लस का साइन लिया 4. 4 को लेंगे तो आप ये रो छोड़ दीजिए और ये कॉलम छोड़ दीजिए, जो बचे आपके पास माइनस 1 3 4 और ये 1. अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए पहले की तरह, 3 1 3 और 1 × 0 0, माइनस 2 बाहर है, माइनस 1 × 1 माइनस 1 और ये हो जाएगा 0, क्योंकि 4 × 0 0, प्लस का 4, फिर माइनस का 1, माइनस 4 3 12, तो आपके पास आएगा 1 × 3 माइनस 2 × −1 प्लस 4 × −13, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 प्लस 2 और माइनस 52, 3 और 2 5 5 माइनस 52 47 नेगेटिव का, ये आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट चेक करते हैं. इसका एग्जांपल 5 दिया हुआ है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू पूछ रहा है. अगर ये डिटरमिनेंट आपको दोनों वैल्यू के बिने डायरेक्ट अप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, सो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 1 3 और 4 2 8, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बल्कि 3 से 3 यहीं पे कैंसिल हो रहा है,
तो आपके पास बच रहा है माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एट, माइनस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एट और एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टू रूट टू। तो ये आपका यहाँ पे आंसर आ रहा है। तो बड़ा आसान सा तरीका है डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने का। ठीक है, अभी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी, आप बिल्कुल आराम से कर लेंगे इसको। यहाँ पे मैट्रिक्स ए दी हुई है 1 2 4 2 और आपको प्रूव करना है डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो एक तो मुझे चाहिए मैट्रिक्स 2a, तो मैं यहाँ पे 2a अगर लिखूँ तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 वन जै 2, 2 टू जै 4, 2 फोर जै 8 और 2 टू जै 4। अब आपको इसका डिटरमिनेंट भी निकालना है, 2a का डिटरमिनेंट। तो आ जाएगा 2 4 8 4, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू 2 8 माइनस 8 4 जै 32। सो डिटरमिनेंट ऑफ 2a आपके पास आ गया माइनस का 24। ठीक है, अब एक आपको चाहिए 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। पहले डिटरमिनेंट ऑफ a चेक करते हैं, तो डिटरमिनेंट f में a 1 2 4 2, डिटरमिनेंट आएगा 2 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 8 इज इक्वल टू माइनस का 6। आपको चाहिए 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, सो 4 इंटू माइनस 6 इक्वल टू माइनस 24। सो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस 24 वैल्यू आई थी आपके पास, ये रही 2a की, तो डिटरमिनेंट ऑफ 2a। ये आपका प्रूफ हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, इसमें सेकंड का सेकंड पार्ट है, इसमें भी डिटरमिनेंट निकालना है। तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए इन दो एलिमेंट में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कितना बचेगा, एक्स क्यूब, अगर मैं इस x की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर वन से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इधर राइट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस का एक्स माइनस का वन। यहाँ पे माइनस एक्स से प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब आपके पास बचा है एक्स क्यूब प्लस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, और ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का टू। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट एक्सरसाइज को अपने आप कर लेंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए हम लोग आएंगे दूसरी वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थैंक यू।